अयोध्या के दिल में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में कई सालों के स्ट्रगल और पेशेंस के बाद फाइनली बन रहा है द मोस्ट अवेटेड टेम्पल। स्वागत है आपका राम मंदिर में। जय श्री राम। ऑफिशियल लॉन्च के कुछ ही दिन पहले कर्ली टेल्स को मिला है एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। मंदिर के इनॉग्रेशन की खुशी में मानो जैसे पूरे अयोध्या को एक नया मेकओवर सा मिल रहा है। यहाँ शुरू हुआ है नया एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन्स भी। साथ ही यहाँ की रोड्स, लेन्स, स्ट्रीट लाइट्स, शॉप्स सभी को रिपेयर और ब्यूटीफाई किया जा रहा है। अयोध्या के 4 मेन लेन्स, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम पथ और धर्म पथ सभी को रीडेवलप किया जा रहा है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वेदास एंड 4 एरास। तो ये है भक्ति पथ। यहाँ पर सारी दुकानें एक ही रंग के बनाए हुए हैं, एक ही सरीके के दिखते हैं। यहाँ आपको अयोध्या की सारी स्पेशलिटीज मिलेंगी, फ्रॉम लोकल फूड टू लोकल क्लोथ। जो भी आप खरीदना चाहें यहाँ पर आप खरीद सकते हैं और पास ही में आगे जाकर आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान घड़ी के। न्यू राम मंदिर इज नॉट ओपन टू पब्लिक येट और मंदिर के आसपास बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। हम यहाँ पहुंचे लॉन्च के कुछ ही दिन पहले और काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 4000 से भी ज्यादा लेबरर्स काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि ये मंदिर जल्द से जल्द तैयार हो सके। यहाँ परिक्रमा एक टनल के थ्रू होगा और एक लेवल नीचे होगा जो बन रहा है 732 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा। दर्शन करने वाले लोग ऊपर की फ्लोर पर होंगे और परिक्रमा वाले नीचे के फ्लोर पर, जिसका मतलब है कि ज्यादा क्राउड होने पर ये क्राउड क्लैश ना होगा और अच्छे से मैनेज होगा। काफी फॉरवर्ड थिंकिंग से बन रहा है नया राम मंदिर। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मंदिर में बिल्कुल भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनफैक्ट जमीन के ऊपर कंक्रीट भी यूज नहीं किया गया है। पूरा ही मंदिर सिर्फ ग्रेनाइट और पत्थर से बन रहा है और पत्थर भी एक बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद राजस्थान के बंसी पहाड़ से चूज किया गया है। नए मंदिर के शुरू होने से, साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने से अयोध्या में टूरिस्ट का आना मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगा। अब भी आप मेरे पीछे इतने लोग देख रहे हैं तो सोचिए जब ये सब शुरू होगा तब क्या होगा। और इसी क्राउड को मैनेज करने के लिए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे इन रोड्स को चौड़ा किया जाएगा, प्रॉपर क्यू मैनेजर्स होंगे, 4 मल्टी लेवल कार पार्किंग, न्यू टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर 24/7 और भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। ऑल ऑफ दैट विल बी अरेंज्ड फॉर ऑल द टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स कमिंग हियर। और इन्हीं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए लॉन्च किया है एक नया और बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट। अयोध्या देश के 7 पवित्र स्थानों में से एक है और नए राम मंदिर बनने से ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म स्पॉट तो है ही, बल्कि एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी। कुछ महीनों पहले तक अयोध्या पहुंचने के लिए आपको लखनऊ तक फ्लाइट और उसके बाद 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था या एक लंबी सी ट्रेन जर्नी, पर अब नहीं।
आप अब अयोध्या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं देश या विदेश के हर कोने से। ये है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बना ये एयरपोर्ट इंस्पायर्ड है बाय राम मंदिर। यहाँ आते ही आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। इनफैक्ट इस टर्मिनल पर है डेकोरेटिव कॉलम्स जो दर्शाते हैं रामायण के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अयोध्या में लैंड करते ही आपको महसूस हो जाएगा कि आप प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर आ गए हैं, और जब तक आप अराइवल्स में अपनी बैग्स का वेट करें तब तक आप रामायण से जुड़ी कहानियों में खो सकते हैं। जैसे ये पेंटिंग दर्शाती है लॉर्ड राम और सीता के वनवास से वापस आने का महोत्सव। एकर्स में फैला फेज वन ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज रेडी, और बहुत ही जल्द फेज टू भी रेडी हो जाएगा जिसकी एनुअल कैपेसिटी होगी ऑफ मैनेजिंग अबाउट 10 लाख पैसेंजर्स। और सिर्फ ये ही नहीं, इतने सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए देयर इज गोइंग टू बी सो मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अयोध्या के लोकल्स को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, रिस्पेक्टेबल जॉब्स मिलेगी, और उनके ट्रैवलिंग के लिए कम्फर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ 20 महीनों में तैयार हुआ है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एट लार्ज एंड मोर इम्पोर्टेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पैसेंजर्स के लिए है कंफर्टेबल वेटिंग एरियाज, देयर आर आल्सो कैफेज एंड अ शॉप वेयर यू कैन बाय समथिंग, और एक डेडिकेटेड फूड कोर्ट है ऑन द फर्स्ट फ्लोर। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की लगी कि जो इंटीरियर्स है कम्प्लीटली मेड इन बेज कलर, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, एंड इट्स वेरी प्लीजिंग टू योर आईज। और यहाँ पर जो आर्ट वर्क और पेंटिंग्स है आई एम गोना टेक यू बैक इन टाइम। सो यू टू कैन बुक योर टिकट एंड हेड फॉर रिलीजियस गेटअवे टू अयोध्या, बट आई वुड रेकमेंड कि अभी यहाँ बहुत रश है। सो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस नए राम मंदिर के इनॉग्रेशन के एक आध महीने बाद ही यहाँ ट्रिप प्लान करें। मैं जा रही हूँ इंडिया के किसी और शहर में आपके लिए नई चीजें ढूंढने। अंटिल देन कीप फॉलोइंग कर्ली टेल्स।